ओके okay. तो आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, जिसमें चार पैरेलल प्लेट्स थी, मेरे पास चार पैरेलल प्लेट्स थी, तो इन पे कुछ चार्जेस दे दिए थे। चार्जेस क्या थे बताएंगे आप? क्या क्या चार्ज दिए थे इनको? स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेट, क्या क्या चार्ज दिए थे बताइए। Q-2Q-Q and 2Q। -2Q, इसको भी -2Q, -Q -Q, और इस पे फिर 2Q होगा, Q। है ना? देख लो सभी बच्चे, यही चार्ज थे ना। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ रहा था कि बीच वाली प्लेट पे चार्ज बच रहे थे और बाकी पे जीरो हो जा रहे थे, यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज बच रहा था, बाकी पे जीरो हो जा रहा था, है ना? ऐसा कुछ आंसर आ रहा था। अच्छा, लिंक मैंने चेंज करी थी, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैंने मैसेज तो करा था ना आप लोगों को कि नई लिंक से ज्वाइन करना है, मैं एक बार देख लेता हूँ। वेट वेट ओके। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा कुछ आ रहा है कि बीच में चार्ज बच रहे और बाकी जगह जीरो हो जा रहे थे, ठीक है? यहां पर एक वायर दे दिया था जिनसे इन दोनों को कनेक्ट कराए, और फिर एक स्विच से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था। तो कई बच्चों ने सही करा है, यहाँ से उन्होंने कुछ एक्स चार्ज मान लिया, यहाँ से कुछ वाई मान लिया, तो यहाँ पे चार्ज क्यू माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया 2Q-2Q-y, यहाँ प्लस एक्स हो गया और यहाँ प्लस वाई हो गया। उसके बाद नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सबका चार्ज का सम तो जीरो था, तो बाहर बाहर चार्ज तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे चार्ज पूरा क्यू माइनस एक्स और उसका ही नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ क्यू माइनस एक्स, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये ऐड हो जाएगा बेसिकली। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है, तो -2Q+Q, इट विल बी -Q और माइनस एक्स जाके -2Q-y में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड हो गया क्यू माइनस एक्स। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये -2Q+Q, इट्स -Q-y-x, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ Q+x+y चार्ज है और यहाँ पे Q+x+y चार्ज होगा, पॉजिटिव। टोटल में से अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, -Q+x उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो Q+x+y, तो बचेगा मेरे पास -2Q, यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया और -y, -2Q-y, मतलब 2Q-y का चार्ज यहाँ और उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव 2Q+y। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस सही सही लिख दो तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे प्लस या माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन ये, यहाँ प्लस या माइनस तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन ये, और यहाँ प्लस या माइनस तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन ये। इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा हमको। प्लेट 1-3 का जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो इस इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहले पोटेंशियल ड्रॉप होगा। चलो, पोटेंशियल ड्रॉप को अगर मैंने पॉजिटिव लिख लिया तो क्यू माइनस एक्स इंटू डी, यहाँ पे डिस्टेंस डी थी, और यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं तो बीच में माइनस लगा दो, Q+x+y इंटू 2 आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगी, इन दोनों के बीच में एक ही डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप है, तो दोनों को एक ही साइन के साथ लिख दूंगा, 2Q+y इंटू डी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस Q+x+y इंटू 2D इक्वल टू 0। वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और वो डी सब मल्टीप्लाई कर पुरा के चार्ज ही बचता है ना वहां पे, तो एप्सिलॉन नॉट और उसका तो कैंसिल हो जाता है। तो मैं फटाफट ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वेशन जल्दी से, ठीक है? पहले इक्वेशन क्या हो रही है, Q-Q कैंसिल हो गया, -x माइनस अंदर भेजा, एक और माइनस एक्स, एक और सॉरी यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई करना है, Q-x -2Q-2x-2y इक्वल टू 0। तो Q-2Q -Q-x-3x हो जाएगा, ये -2y, तो ये उठा के उतर ले जाओ, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया एक इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 टू 4 और 2Q+4Q+y, प्लस यहाँ पे 2y था तो 3y कर देते हैं, प्लस 2y तो इक्वल टू -4Q। चलो, इसको सही, काफी बच्चों ने सही सॉल्व कर दिया था, दोनों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो अगर, तो x+y=-Q आ जाएगा, है ना? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x+2y=-2Q। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लिया जाए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ सबट्रैक्ट करके q, है ना? और x की वैल्यू कहीं भी डाल दो, जैसे यहाँ डाल दी,
तो 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू माइनस थ्री क्यू, तो माइनस फोर क्यू, तो y की वैल्यू आ गई माइनस टू क्यू। तो नए चार्जेस भी आ जाएंगे, अब नए चार्जेस यहाँ पे x की वैल्यू देखो क्यू आ गई है, तो यहाँ तो जीरो चार्ज हो गया, यहाँ जीरो चार्ज हो गया, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर y की वैल्यू डाल दो माइनस टू क्यू, एक्स तो जीरो था, y को माइनस टू क्यू डाला तो माइनस क्यू, और बाहर माइनस तो प्लस क्यू जाएगा, तो यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, और यहाँ भी चार्ज जीरो हो रहा है। y की वैल्यू देखो कितनी, माइनस टू क्यू यहाँ डाला तो जीरो, तो इधर उधर जीरो जीरो, और यहाँ केवल चार्ज बच रहा है, इससे प्लस क्यू इसको माइनस। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, x इक्वल टू क्यू आ रहा है, y इक्वल टू माइनस टू क्यू आ रहा था। वेरी गुड, तो ये अपना रिविजन होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। सहज ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, तो ये आपको करना चाहिए था, है ना। मैंने क्या करा है भाई, जिन दो प्लेट को जोड़ा है उनका पोटेंशियल ड्रॉप जीरो करा है, तो दो इक्वेशन बनी और सॉल्व कर दिया, ठीक। ओके, तो ये होमवर्क क्वेश्चन ही देख रहे थे अपन, अब अपन आगे बढ़ते। तो लास्ट क्लास में हमने शेल थ्योरी, शेल के क्वेश्चंस करे थे कॉन्सेंट्रिक शेल्स के, कॉन्सेंट्रिक शेल्स के सिस्टम में मैंने आपसे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब लिखने को कहा था। फिर मैंने बोला था कि शेल का पोटेंशियल क्या होगा वो भी लिखा था। फिर शेल्स को कनेक्ट कर देंगे तो कितना कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वो कैसे करे देखा था। ग्राउंडिंग करेंगे तो क्या होगा वो देखा था, है ना। काफी सारी चीजें कर ली थी, ठीक है। अर्थिंग भी देख ली थी, यस। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करना है अपन को। आपके मॉड्यूल के एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर बता रहा हूं, दोनों तीनों इलस्ट्रेशन कर लेते हैं अपन। तो इलस्ट्रेशन 72, इलस्ट्रेशन 72 ये करते हैं अपन, है ना। सारे इलस्ट्रेशन कर लेंगे, इसमें कुछ मिस्टेक है वो आपको बताना है मुझे, इसलिए इलस्ट्रेशन कर लेते हैं अपन। चलो, तो पहले इलस्ट्रेशन 72 क्या दिया है कि एक अनचार्ज कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू कंटेन्स अ पॉइंट चार्ज क्यू एट द सेंटर इज शोन इन द फिगर। मेरे पास एक अनचार्ज कंडक्टर है जिसकी इनर रेडियस आर वन है, आउटर रेडियस आर टू है, और एक कंडक्टर है मतलब यहां सॉलिड होगा पूरा, ठीक है। उसके सेंटर पे किसी ने चार्ज रखा हुआ है क्यू, सेंटर पे किसी ने चार्ज रखा हुआ है क्यू, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। फिर क्या बोल रहे हैं वो, एस शोन द फिगर। पहला पॉइंट है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट एबीसी। एबीसी कुछ पॉइंट दिखा है, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पूछा है। तो एबीसी कहा दिखा है, ए पॉइंट तो अंदर कहीं दिखाया है, बी पॉइंट यहाँ बीच में दिखाया है, सी पॉइंट यहाँ बाहर दिखाया है, ऐसे हमको पॉइंट दिखाया है। ये मान लो बी दिखाया था और ये मान लो इधर सी दिखाया था, ठीक है। सेंटर पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, तो डिस्टेंस आपको निकालने के लिए आसान हो जाएगा। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ऐसा डिस्टेंस लिख सकते हैं। पहला पॉइंट पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एबीसी। चलो, तो क्या अपन ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या एबीसी पे? ये हमारे पास एक कंडक्टर है, अनचार्ज दिया था कंडक्टर, इस कंडक्टर के सेंटर पे किसी ने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, हाँ लिख सकते हैं। वेरी गुड, चलो तो लिख के बताइए जल्दी से, एबीसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लिखो। सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, खुद से ट्राई करना है। सॉल्यूशन में मैंने पहले भी बताया कि एक जगह पे मेरे को एक मिस्टेक दिखी है, तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं देखना है इसका। दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लिखना है। सबसे पहली चीज, ये एक थिन शेल नहीं थी, जो कंडक्टर है इट इज नॉट अ थिन शेल, कंडक्टर इज नॉट अ थिन शेल। तो आप सबसे पहला काम तो करो, इस पे चार्ज इंड्यूस क्या होंगे वो निकाल लो, उसका थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके ये करना है, ठीक है। बिकॉज इफ क्यू चार्ज सेंटर पे रखा है तो इनर सर्फेस ऑफ कैविटी पे माइनस क्यू इंड्यूस होना चाहिए, इनर सरफेस ऑफ कैविटी पे यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस होना चाहिए। यहाँ पर ऑन दिस इनर सरफेस देयर शुड बी माइनस क्यू चार्ज, है ना।
और कंडक्टर न्यूट्रल था तो बाहरी सरफेस पर प्लस क्यू होना चाहिए था, कंडक्टर का चार्ज जीरो रखने के लिए बाहरी सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए। बोलो ये चीज क्लियर? इनर सरफेस से माइनस क्यू, बाहर प्लस क्यू इंड्यूस होना चाहिए। ये किस तरह का चार्ज होगा, ये मतलब सिमेट्रिक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बताइए जल्दी से। यूनिफॉर्म होगा, बस दोनों यूनिफॉर्म होंगे ना? हाँ दोनों यूनिफॉर्म होंगे, ये बिल्कुल सही। तो अब दोनों यूनिफॉर्म है तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि मेरे पास दो शेल्स और एक पॉइंट चार्ज है। मेरे पास ये एक शेल हो गया, ये एक शेल हो गया और बीच में पॉइंट चार्ज रखा है ना, ऐसा हो गया ना, पॉइंट चार्ज और शेल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है चलो, अब इनका वजह से पोटेंशियल हर जगह लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। ए पर बात करें तो ए पॉइंट दोनों शेल के अंदर है, दोनों शेल की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बचेगी केवल प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना काफी आसान हो गया। एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वो इसकी वजह से होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए के क्यू बाय ओए का स्क्वायर, और डायरेक्शन होना चाहिए ओए कैप के अलोंग। बताओ ये सब क्लियर हो रही है? मैंने कैसे लिखा ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास तीन जगह चार्जेस है, एक तो सेंटर का प्लस क्यू, ये इनर सरफेस पे यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है और बाहर प्लस क्यू इंड्यूस हुआ है। बाहर के चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, हमें पहले से पता है, तो वहां पे हमको सोचने लगा बाहर के चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर माइनस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, लेकिन माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर जीरो होगी। अंदर हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शेल की वजह से जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्लस क्यू की बचेगी, वो इतनी आ जाएगी। अब बी पॉइंट पे देखे, अच्छा पोटेंशियल भी लिखना है मुझे, मैं लिखूंगा अभी एक मिनट। पोटेंशियल पहले बी पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इट शुड बी जीरो, भाई वो तो कंडक्टर के अंदर है तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, है ना, ये तो काफी आसान था। और एट सी देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, अब अंदर के चार्जेस मिलकर बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आउटर चार्ज की बचेगी, तो आ जाना चाहिए के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर इंटू ओ सी कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे सबसे पहले तो, बताओ ये सब क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? यस बहुत बढ़िया, है ना। चलो तो अब पोटेंशियल भी लिख लेते हैं। पोटेंशियल की बात करें सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल अंदर के चार्ज की वजह से नहीं आता, कैविटी के अंदर रखा चार्ज, कैविटी के इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज मिलकर बाहर फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों जीरो बनाते हैं, तो सी पर इनकी वजह से पोटेंशियल आएगा नहीं, केवल बाहर के चार्ज का पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एट सी इट शुड बी ओनली ड्यू टू द आउटर सर्फेस चार्ज विच विल बी के क्यू बाय डिस्टेंस विच इज ओसी। बी पर देखेंगे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का पोटेंशियल होगा, उसको आप लिख सकते हो के क्यू अपॉन ओ आर टू लिख सकते हो। ए पर पोटेंशियल देखे तो ए पर पोटेंशियल बीच वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा के क्यू बीच वाले चार्ज की वजह से अपॉन ओ ए, है ना, माइनस क्यू की शेल की वजह से होगा के माइनस क्यू अपॉन शेल की जो रेडियस है आर वन। ठीक है, आउटर शेल की वजह से होगा के क्यू अपॉन शेल की रेडियस आर टू। देखो समझ में आ रहा है पोटेंशियल? ए पॉइंट पर हमने तीन तरह के चार्जेस थे हमारे पास, एक चार्ज सेंटर पे रखा था, इनर सरफेस ऑफ कैविटी पे इंड्यूस चार्ज था, आउटर सरफेस ऑफ कैविटी पे चार्ज था, इन तीनों की वजह से ए पर पोटेंशियल लिख दिया कितना कितना है, है ना। ठीक है तो ए पर टोटल पोटेंशियल आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एबीसी और पोटेंशियल भी एबीसी पे लिख चुके हैं अपन। अब मुझे छोटा सा एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताओ अगर ये चार्ज सेंटर पे नहीं होता प्लस क्यू, थोड़ा सा ऑफ सेंटर होता, थोड़ा सा ऑफ सेंटर होता, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे क्या? चार्ज क्यू सेंटर पे नहीं होता, थोड़ा ऑफ सेंटर होता, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे क्या? आंसर आ रहा है नो, बिल्कुल सही, तब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख पाते अपन, है ना, तब हम फंस जाते, क्योंकि ये जो माइनस क्यू की शेल है ना ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होती,
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख नहीं पाते अपन ए पर। इस प्लस क्यू को जहां भी रखा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए पे लिख सकते हो, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे लिख नहीं पाते, है ना? बिल्कुल सही। और अंशुल डाउट पूछ रहा है सर, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, बाहर वाले क्यू या अंदर वाले पॉइंट चार्ज की वजह से? सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बाहर वाले चार्ज की वजह से। कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ओनली आउटर सरफेस पे चार्ज जो है और आउटर चार्जेस की वजह से होती है, ठीक? चलो पहला पॉइंट क्वेश्चन का क्लियर हो गया है ना। उसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज केप्ट आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर वेयर आर इज वेरी ग्रेटर देन आर टू फ्रॉम द सेंटर, देन फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू कैपिटल क्यू एंड चार्ज स्मॉल क्यू। आपसे बोला क्वेश्चन में कि अगर किसी ने बाहर एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, वो कैपिटल क्यू चार्ज सेंटर से रखा है किसी डिस्टेंस आर पे, और जो आर है बहुत बहुत बड़ा है आर टू से। अब आपको इस पर रिजल्टेंट फोर्स और स्मॉल क्यू पर रिजल्टेंट फोर्स बताना है। चलो क्या बता सकते हैं? अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ ये कंडीशन क्यों दी होगी? ये कंडीशन नहीं होती, मान लो बस ये आर बड़ा होता आर टू से, तब बता सकते थे क्या? मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, अगर ये आर बस आर टू से बड़ा होता, बहुत बड़ा नहीं होता? यस वेदांत बिल्कुल सही है ना, नहीं तो इंडक्शन हो जाता, बिल्कुल सही है ना, चार्ज इंड्यूस होता आउटर सरफेस पे, बिल्कुल सही है ना। तो इस आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होते तो फिर उस पर फोर्स नहीं लिख पाते क्या? हाँ फोर्स नहीं लिख पाते, बिल्कुल सही है ना। तो आउटर सरफेस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता, दैट्स व्हाई फिर इस पे फोर्स नहीं लिख पाते, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते नहीं आती, समझे? तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख नहीं पाते, तो तुम फिर फोर्स फोर्स भी नहीं लिख पाते। अभी तो क्या होगा, ये बहुत दूर है, क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है कि बहुत दूर है, तो वी कैन अज्यूम कि इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ है, तो उसको पॉइंट चार्ज ही ले सकते हो। तो पॉइंट चार्ज ही ले लोगे तो फोर्स वही पॉइंट चार्ज वाला आ जाएगा, एफ कितना आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस आर है उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलो क्लियर, बाहर वाले कैपिटल क्यू चार्ज पे फोर्स लिख दिया अपन ने, इसमें कोई समस्या? सबको क्लियर? अब दूसरा पॉइंट इन्होंने पूछा है स्मॉल क्यू चार्ज पे भी फोर्स बताओ, स्मॉल क्यू चार्ज पे भी फोर्स बताओ, स्मॉल क्यू जो अंदर रखा है प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स बताओ। बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं जीरो, क्यों जीरो दे रहे हो यार? ये कैपिटल क्यू उस पर फोर्स नहीं लगाएगा क्या? इक्वल एंड अपोजिट बोल रहे हैं कुछ बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट, नो आंसर शुड बी जीरो, आंसर शुड बी जीरो, इस प्लस क्यू पर कोई फोर्स नहीं होगा। रीजन बिंग कि बाहर के जो चार्जेस होते हैं ना वो मिलके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाते, ये प्लस क्यू और ये कैपिटल क्यू जो रखा हुआ है ये भले ही बहुत दूर है लेकिन स्टिल इन दोनों की वजह से मिलकर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो ये प्लस क्यू और ये कैपिटल क्यू मिलकर अंदर तो कोई फोर्स लगाएंगे नहीं, अंदर जो फोर्स लग सकता है वो केवल ये इंड्यूस चार्ज की वजह से लग सकता था, कैविटी के इनर सर्फेस पे इंड्यूस चार्ज, और वो भी अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका भी फोर्स उस पर जीरो आएगा, बिकॉज यूनिफॉर्म चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इस माइनस क्यू यूनिफॉर्म चार्ज शेल की वजह से प्लस क्यू पे फोर्स जीरो, आंसर होना चाहिए जीरो, ठीक है? आगे क्लियर, समझ में आया? तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, मतलब मैं इसमें ये चीज पूछू आपसे कि ऐसा अजीब नहीं लग रहा है, कैपिटल क्यू पे तो फोर्स लग रहा है पर ये प्लस क्यू पे नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि न्यूटन थर्ड लॉ इनवैलिड तो नहीं हो गया? न्यूटन थर्ड लॉ इनवैलिड तो नहीं हो गया यहाँ पे? नेट फोर्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, मुझे तो ये बताओ कि न्यूटन थर्ड लॉ इनवैलिड तो नहीं हो गया? भाई बाहर वाले चार्ज पे फोर्स है पर अंदर वाले पे नहीं है, तो ये बच्चे बोल रहे हैं नहीं हुआ। अच्छा हाँ क्यों नहीं हुआ? कैपिटल क्यू पे फोर्स और स्मॉल क्यू जो बाहर वाला है वो लगा रहा है, अंदर वाला नहीं लगा रहा। बिल्कुल सही,
कैपिटल क्यू पे जो फोर्स है वो बाहर वाला स्मॉल क्यू लगा रहा है, अंदर वाला नहीं लगा रहा है ना। ये कैपिटल क्यू पर जो फोर्स है इसने लगाया है, इस पर इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा। जो बाहरी चार्ज है ना स्फेरिकल शेल पे, ये फोर्स फील कर रहा होगा ड्यू टू आउटर चार्ज, शेल पर फोर्स फील हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है ना जैसे कि अंदर वाला चार्ज बाहर से कुछ फर्क ही महसूस नहीं कर रहा है, बाहर के चार्ज की वजह से इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक तरह से इसको शील्ड कर रखा है, बाहर के चार्ज इससे फोर्स नहीं लगा पा रहे, तो इट इज शील्डेड, ये शील्ड हो चुका है बाहर के चार्जेस की वजह से, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर एक मेटल का मेरे पास एक शेल है, उसके अंदर का कुछ भी चार्ज बाहर के चार्ज की वजह से फोर्स फील नहीं करता है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यस, चलो बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन हो गया अपना ये। अब इलस्ट्रेशन 73 करो, इलस्ट्रेशन 73 करो, इलस्ट्रेशन 73। इलस्ट्रेशन 73 में क्या बोला है, अनचार्ज कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 कंटेन्स अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस एट द पॉइंट नॉट एट सेंटर। अब की बार ये Q जो है सेंटर पे नहीं है, बस है ना, ये क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि सेंटर पे नहीं है, उसको P पॉइंट बोला है जहां पर वो रखा है। अब उसके बाद पूछा है ABCD कुछ पॉइंट दिखाया उन्होंने, A दिखाया है कंडक्टर के अंदर, B दिखाया है बाहर, C दिखाया है सेंटर में, बना देता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या करा है, प्लस क्यू को सेंटर पे नहीं रखा, तो प्लस क्यू जो रखा हुआ किसी पॉइंट पी पे रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ, इसको पॉइंट पी बोला, ठीक है। ABC पॉइंट भी उन्होंने नाम बदल दिया है, ए पॉइंट विद इन कंडक्टर दिखाया उन्होंने, कंडक्टर के अंदर कहीं पर पॉइंट ए है, जो बाहर का पॉइंट है उसे बी बोला है, आपकी बात जो सेंटर है उसको सी बोला है ना। और एक डी पॉइंट भी दिखाया है विद इन द कैविटी, कैविटी के अंदर कहीं पर डी पॉइंट भी दिखाया है। तो इस तरह से पॉइंट दिखा रखे अपन को ABCD, ठीक है। अब पूछा है कुछ कुछ पोटेंशियल्स पूछा है आपको, सबसे पहले सी पर, ए पर, बी पर, और तीन पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, CAB करो ट्राई, CAB पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है सबसे पहले। पोटेंशियल एट द पॉइंट सी ए भी बताना है सबसे पहले। सी कहां पर दिखा रखा है आपको, है ना, करो। क्वेश्चन में चेंज ये हो गया कि चार्ज सेंटर पे नहीं है अभी, प्लस टू, इसको ऑफ सेंटर कर दिया। चलो स्टार्ट करें लिखना, कितनी जगह चार्जेस है मेरे पास, एक तो ये प्लस क्यू है, कैविटी की इनर सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा और बाहरी शेल पर प्लस क्यू इंड्यूस होगा। सबसे पहले सबसे बाहर वाले पॉइंट पे लिखते हैं अपन, सी बी पॉइंट पे लिखते हैं, ये आसान होता है सबसे बाहर पोटेंशियल लिखना। ये लिख सकते हैं क्या, बी पॉइंट, पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सोचो कैसा होगा, इनर सर्फेस पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैविटी की सर्फेस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यस, ठीक है। तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाहर वाली सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल सही, है ना। तो बाहर तो अभी भी अपन को स्फेरिकल शेल दिखेगा, वो बाहर का चार्ज स्फेरिकल शेल दिखेगा, बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो बाहर के चार्ज की वजह से ही होता है, अंदर के चार्जेस मिलकर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो बनाते, बी पर पोटेंशियल होगा केवल आउटर सर्फेस के चार्ज की वजह से और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसका पोटेंशियल बी पे लिखना आसान है, KQ/R, है ना, पॉइंट चार्ज मान के लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा K, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पोटेंशियल का टाइम के साथ लिया जाता है, अपॉन सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे CB, ये आना चाहिए बी पर पोटेंशियल।
ये होगा बी पर पोटेंशियल। चलो एक ही बात करते हैं, ये तो कंडक्टर के अंदर है, जो कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल वही ए का पोटेंशियल, जो सरफेस का पोटेंशियल वही ए का पोटेंशियल, तो ये हो जाना चाहिए के प्लस क्यू अपॉन सरफेस का लिख सकते हो आप, हो जाएगा ओ आर टू लिख देना, आउटर रेडियस आर टू है तो आर टू लिख देंगे। ठीक है, यस गगनदीप, सबसे बाहर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल से। तो ये समझ में आया, मैंने ए और बी पर दोनों पर पोटेंशियल लिख दिया, इसमें कोई समस्या? आई होप कि सबको क्लियर है ये, है ना। अगला पॉइंट सी पर देखते हैं, सी सेंटर था उस पर पोटेंशियल देखते हैं। सबसे पहले तो तीन जगह चार्जेस है, सबसे बाहर के चार्ज की वजह से लिख देता हूं मैं, सबसे बाहर का चार्ज की वजह से वो एक यूनिफॉर्म चार्ज शेल था, बाहर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी बताया था आप लोगों ने, तो उसकी वजह से सेंटर का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस वाला है। शेल की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है जो उसकी सरफेस पे होता है। प्लस ये तो एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये तो मेरे पास नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना माइनस की ऑफ की बात, इसकी वजह से मैं लिख पाऊंगा क्या फिर सी पर पोटेंशियल। पहली चीज तो इसकी वजह से अंदर यूनिफॉर्म पोटेंशियल होगा क्या, ये मेरे पास माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से अंदर यूनिफॉर्म पोटेंशियल होगा क्या? नो, बिल्कुल सही बात, नो है ना, नो होगा, इसका आंसर होगा नो कुछ, है ना, इसकी वजह से बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज शेल, यूनिफॉर्म चार्ज शेल की वजह से अंदर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म है तो उसकी वजह से कॉन्स्टेंट नहीं होगा। क्या इसकी वजह से सेंटर में पोटेंशियल लिख सकते? हाँ क्यों लिख सकते, क्योंकि सेंटर से इन सबकी डिस्टेंस सेम है, सेंटर से सबकी डिस्टेंस सेम है, तो सेंटर से पोटेंशियल लिखा जा सकता है, सेंटर पर पोटेंशियल लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा के चार्ज में साइन ले जाता है जब पोटेंशियल लिखते हैं अपन, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस सबके बाद आर वन हो जाएगी, ये आर वन डिस्टेंस, तो ये माइनस क्यू चार्ज की शेल का सेंटर पर पोटेंशियल लिख पाए अपन। बचा एक चार्ज प्लस क्यू, उसका सेंटर पोटेंशियल लिख देंगे के क्यू अपॉन पी की सी से डिस्टेंस, पी सी, पी पॉइंट था, पी की सी से डिस्टेंस पी सी हो जाएगा, तो ये हो गया सी पर पोटेंशियल। ठीक है चलो, तो तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया, सबसे पहले तो जो पूछा था, सबको क्लियर? वेरी गुड, पोटेंशियल लिखना आ गया। अब उन्होंने फोर्थ पॉइंट पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बताना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बताना है, बताओ आप ए और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी होगी, ए रहा बी ए रहा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ए पर तो बहुत आसान जीरो होगी, ए पर तो बहुत आसान जीरो होगी, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की चार्ज की वजह से होती है, बिल्कुल सही, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर की चार्ज की वजह से होती है, तो के क्यू वो यूनिफॉर्म चार्ज शेल था, उसको सेंटर पे मान लेंगे तो सी से बी की डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे इंटू सी बी कैप वेक्टर में लिखने के लिए, तो आ गया बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आया क्या सबको? ओके, अगला पार्ट इसमें लिखा हुआ है सिक्स नंबर, फोर्स ऑन चार्ज क्यू इफ इट इज प्लेस्ड एट बी, बी पर कोई एक चार्ज रख दिया है कैपिटल क्यू, बी पर कोई एक चार्ज रख दिया है कैपिटल क्यू, उस पर फोर्स बताना है, बताइए B पे चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, उस पर फोर्स बताना है, मेरे पास दो बच्चों के जवाब आ गए, निकुंज के, फिर विधान का भी आ गया, शांतनु का भी आ गया, गोपाल का भी, चलो कुछ बच्चों के जवाब सही है कुछ के गलत है, तो हम आंसर इज रॉन्ग, कुछ बच्चों के जवाब सही भी आए थे, बुराउद्दीन आंसर इज रॉन्ग, सर्वेश आंसर इज रॉन्ग, कई बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज कर दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज कर दूं, तो ये बताओ इंडक्शन हो सकता है ना इस बार, भाई बी पॉइंट पर चार्ज रखा तुमने तो बाहरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा नहीं क्या, है ना, इंडक्शन तो हो सकता है,
ठीक है, तो इंडक्शन हो सकता है, तो फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते पोटेंशियल, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं लिख पाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखते थे, ये प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होते से ही फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फंस गए अपन, समझे बात ना? चलो तो नहीं लिख पाएंगे। मैं अगर अपने लेवल पे बात करूं, अभी 12th के लेवल पे, तो आंसर इसका आएगा नहीं दे पाएंगे, लेकिन लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है इमेज चार्ज का, है ना, वो आपके कोर्स में नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैं काम करूंगा उसके ऊपर, एक राइटअप आपके ग्रुप में भेज दूंगा, पर मैं फिर भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो आपके काम का नहीं है, तो बच्चे नहीं देखे हो तो ज्यादा अच्छा है वो, है ना, इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो ज्यादा अच्छा है। इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो ये जो बाहर जो चार्ज है वो और ये बी पर रखा हुआ चार्ज मिलकर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं, है ना, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं, तो अंदर से देखने पर ये चार्ज इस बी पर ऐसा लगेगा कि माइनस क्यू रखा हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे कोई रख दे अगर, और उसकी वजह से जो अंदर फील्ड आएगी उसको जीरो करना है, इस प्लस क्यू चार्ज को, जो आउटर सर्फेस का चार्ज है उसको इसे जीरो करना है, तो आउटर सर्फेस का चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि अंदर से देखने पर ऐसा लगेगा कि बी पर ही माइनस क्यू रखा है। इस सेंटेंस को मैं फिर से बोलता हूं, मेरे पास ये कंडक्टर था, उसके आउटर सरफेस पे कुछ चार्ज था तुम्हारे पास, और यहाँ पे तुमने कुछ क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज कुछ स्मॉल क्यू था, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि अंदर से देखने पर जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई इसने बिल्कुल उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए, तभी तो इन दोनों का मिलकर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, है ना, इसका मतलब अंदर से देखने पर ये जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा लगेगा कि इस लोकेशन पर माइनस कैपिटल क्यू रखा है, अंदर से खड़े होकर देखने पर ये चार्ज ऐसा लगेगा जैसे यहां पर माइनस क्यू रखा है ना, अब अंदर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहां माइनस क्यू है, तो बाहर से देखने पर ये चार्ज अंदर किसी पॉइंट पे फील होगा अपन को, बाहर से रखने देखने पर ये सारा चार्ज हमको ऐसा लगेगा कि अंदर किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पॉइंट ढूंढा जा सकता है, वो पॉइंट ढूंढा जा सकता है, उसके ढूंढने की एक तरीका होता है, अब मैं वो तरीका आपको नहीं बता रहा हूं, है ना, आप लोग या तो सर्च करना खुद से या मैं आपके ग्रुप पे एक राइटअप भेज दूंगा उसमें देख लेना, ठीक। अथर्व ने बोला है ग्रीन्स फंक्शन, अथर्व अपन ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे 12th लेवल पे, ना यार थोड़ा सा, ठीक है, 12th लेवल पे अगर यूज कर लो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, बच्चे फिर ज्यादा उसमें सोचने लग जाते, ठीक है, तो एक मेथड होती है इमेज चार्ज की, उससे अपन निकाल सकते हैं, अब वो मैं एक राइटर भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, आप देखना, और समझ में नहीं आएगा तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आपके कोर्स में है ही, है ना, तो जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाए तो मैं बोल ही रहा हूँ, पढ़ना ही नहीं आपको तो, ठीक है, ओके चलो, तो अगर वो आपको इमेज चार्ज की मेथड आ जाए ना, तब तुम इन दोनों के बीच का फोर्स लिख सकते थे, पर फिलहाल अपन आंसर देंगे नो, हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक। जे एडवांस में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन जरूर आया है वो मैं कराऊंगा, वेट करिएगा उसके लिए, है ना, एक क्वेश्चन में जरूर कराऊंगा, ठीक। आगे बढ़ते, तो इस इलस्ट्रेशन 73 में ये जो 6 पार्ट है ना, इसका आंसर रॉन्ग दिया है, इसका आंसर आना चाहिए एट प्रेजेंट वी कैन नॉट डिटरमाइन। चलो उसके बाद इलस्ट्रेशन 74 जैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन 75 कर लेते हैं अपन, इलस्ट्रेशन 75 जैसा क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं उसके जैसा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको यहां, चलो इलस्ट्रेशन 75 के जैसा क्वेश्चन में दे रहा हूं। आई हैव थ्री कॉन्सेंट्रिक शेल्स, मेरे पास तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, I have three concentric shells. ठीक है, ये तीनों शेल्स है, शेल्स मतलब कि खोखली अंदर से, है ना, हाँ कुछ आग रही है, वो अभी थोड़ा बोल रहा था, ठीक है, चलो तो इनके तीनों का सेंटर सेम है, सेम सेंटर, और इस सेंटर से मैं तीनों की रेडियस दे देता हूं, चलो लेट्स से आर,
आर और थ्री आर। हमने क्या करा, हमने पहले इनको चार्ज दे दिया, इस पे चार्ज दे दिया कुछ क्यू, इस पे चार्ज दे दिया मैंने टू क्यू, और इस पे चार्ज दे दिया मैंने माइनस थ्री क्यू। इतना चार्ज दिया हुआ था इनको, है ना, क्यू टू क्यू और माइनस थ्री क्यू, ये चार्ज दिया हुआ था। ठीक है, नाउ मेरे पास एक वायर है, उस वायर से मैं शेल वन और थ्री, सबसे अंदर की और सबसे बाहर वाली शेल को मैं जोड़ सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। ये वायर इस तरह से पास हो रहा है यहाँ से कि वो बीच वाली शेल को कट नहीं कर रहा है, बीच वाली शेल के बीच में छोटा सा होल है, उस होल से पास हो गया, तो टच नहीं कर रहा है बीच वाली शेल को। दिस वायर इज नॉट टचिंग द सेंट्रल शेल, बीच वाली शेल जो है, ठीक है, नाम दे देते हैं वन टू थ्री, शेल टू को टच नहीं कर रहा है वो। और शेल टू को मैं ग्राउंड भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ग्राउंडिंग का अरेंजमेंट भी कर रखा है, यहाँ पे शेल टू को मैं ग्राउंड भी कर सकता हूँ, है ना। तो बिल्कुल ऐसे कुछ इलस्ट्रेशन है वो, तो मैंने बोर्ड पे नया क्वेश्चन बना के दे दिया। ठीक है, चलो अभी बताओ, इफ आई क्लोज दिस स्विच, मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ग्राउंडिंग नहीं कर रहा अभी, ओनली स्विच को क्लोज कर रहा हूँ। इफ आई क्लोज दिस स्विच देन व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस स्विच। ठीक है, पहला पार्ट क्वेश्चन का यहां लिख देता हूँ, इसको स्विच को एस वन नाम देता हूँ, इसको एस वन नाम देता हूँ, एस टू नाम देता हूँ। तो इफ आई क्लोज, इफ वी क्लोज स्विच एस वन, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू इट। इसका लॉजिक आपको बता चुका हूं मैं कैसे करना है, लॉजिक आपको पता है, बस मैंने यहाँ तीन शेल दे दी है, तो थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा आपको, इसमें गलती कर सकते हो अगर पोटेंशियल गलत लिखा तो। लॉजिक क्या था भाई, जिनको कनेक्ट कर देते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो चार्ज अज्यूम कर लो कुछ फ्लो हो रहा है और बाद में पोटेंशियल इनका सेव कर दो, करो। एट प्रेजेंट स्विच एच टू ओपन है, अभी H2 ओपन है, एट प्रेजेंट H2 ओपन है, ओनली H1 को क्लोज करा है, सो शेल 2 ग्राउंडेड नहीं अभी, अभी केवल शेल 1 और 3 को जोड़ा है मैंने, शेल 2 ग्राउंडेड नहीं है। कुशागर का जवाब भी आ गया, वेरी गुड। चलो शेल्स में क्या होता है कि शेल की अंदर और बाहर की सरफेस में कोई गैप ज्यादा होती नहीं है, तो शेल में पोटेंशियल लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, सारा चार्ज जो शेल का होता है ना वो उसके सेंटर में मान के पोटेंशियल लिखना आसान हो जाता है। तो जब मैं स्विच को यहाँ क्लोज करूंगा, मान लेते हैं कि कुछ चार्ज फ्लो कर गया, अंदर से बाहर जा रहा है ऐसा मान लेते हैं, एक्स, तो यहाँ पे क्यू माइनस एक्स, वहां पे प्लस एक्स हो जाए। अब पोटेंशियल आसानी से लिखकर इक्वेट कर दो इनको, है ना, अंदर वाली शेल का और बाहर वाली शेल का पोटेंशियल लिख दो। तो सबसे पहले बाहर वाले शेल का पोटेंशियल लिख देता हूँ V3 और अंदर वाले शेल का V1, इन्हें इक्वेट कर देते हैं। V3 बाहर वाले शेल पे खुद के चार्ज का पोटेंशियल जो होगा वो होगा K, उसका चार्ज अपॉन उसकी रेडियस और 3R दी। उसका सेंस नहीं होता बाहर वाले शेल का पोटेंशियल लिखने का, वो खुद के चार्ज की वजह से, क्योंकि वो अंदर बाहर इक्वल आता है, पर फिलहाल लिख देता हूं मैं, आपको समझ में आए। बीच वाली शेल की वजह से पोटेंशियल K 2 क्यूब अपॉन उसकी रेडियस 3R। इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल देखेंगे, तो इसकी वजह से बाहर पोटेंशियल देखने के लिए रेडियस 3R लिख देंगे। अब सबसे अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल हो जाएगा K Q माइनस X अपॉन 3R, ये हो गया बाहर की शेल का पोटेंशियल। अब अंदर वाली शेल का पोटेंशियल, अंदर वाली शेल पर खुद के चार्ज का पोटेंशियल लिखता हूं, सबसे पहले वो आएगा K Q माइनस X अपॉन खुद के चार्ज की रेडियस, यहां पे R ले लेंगे। बीच वाले चार्ज शेल 2 का पोटेंशियल लिखने के लिए 2q अपॉन 2q की रेडियस लेना पड़ेगी, और आखिरी वाली शेल के लिए माइनस 3q माइनस x
अपॉन 3R लेना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो शेल 3 पर खुद के चार्ज का पोटेंशियल था और शेल 1 पर 3 की वजह से जो पोटेंशियल था वो इक्वल है, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है, कर दो, है ना। बचेगा ये दोनों टर्म, ये K2Q by 3R, वो K2Q by 2R, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते अपन। ये 3R वाला टर्म वहां ले जाता हूं, है ना, तो मेरे पास आ गया KQ minus X upon 3R, ये वाला टर्म यहां लाके माइनस कर लेता हूं, KQ minus X upon R is equal to, ये वाला टर्म वहां ले जाता हूं, 2KQ by 2R minus 2KQ by 3R, अरेंज करते हैं। K सब जगह कैंसिल हो रहा है, R सब जगह कैंसिल हो रहा है, Q माइनस X यहाँ कॉमन लिया, 1 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय 2 हो गया 1, Q कॉमन ले लो 2 बाय 2 हो गया 1 माइनस 2 बाय 3। ठीक है, K और R, K और R, K और R, K और R सब जगह कैंसिल कर दिया। ठीक, थोड़ा सॉल्व कर लो, Q माइनस X इंटू 1 बाय 3 माइनस 1 विल बी माइनस 2 बाय 3, माइनस टू बाई थ्री अंदर मल्टीप्लाई कर देते, माइनस टू बाई थ्री क्यू प्लस टू बाई थ्री एक्स इजिकल टू क्यू माइनस टू क्यू बाई थ्री, टू क्यू बाई थ्री कैंसिल हो गया। ठीक है, चेक कर लो, सही तो करा है ना, हाँ सही करा है तो। बस तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 क्यू बाई टू, इतना चार्ज फ्लो कर। सही बच्चों का जवाब यही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सर, हाँ बोलो सर, मैंने इसमें बीच वाली शेल को कंसीडर नहीं करा था, मतलब मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि बीच वाली शेल प्रेजेंट ही नहीं है और उसके बाद पोटेंशियल इक्वल कर। गलत गलत गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच वाली शेल जो है वो अंदर और बाहर अलग अलग पोटेंशियल बनाएगी, तो उसको कंसीडर करना जरूरी है। तुम बाहर वाली शेल कंसीडर नहीं करते ना तो भी चल जाता, क्योंकि बाहर वाली शेल की वजह से उस पर और अंदर पोटेंशियल सेम होता है, वो तो कैंसिल होता ही है। देखो बीच वाली शेल को नहीं हटा सकते क्योंकि उससे अंदर और बाहर पोटेंशियल अलग अलग आएगा। आप देखो बीच वाली शेल की वजह से बाहर पोटेंशियल जो है और अंदर जो पोटेंशियल है वो अनइक्वल है, नॉन इक्वल है ना। अब सेम आ क्यों रहा है वो आपका भाई, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो गया होगा, डाटा गलत ऐसा हो गया होगा, डाटा गलती से ऐसा फंस गया होगा कि सेम आंसर आ गया, पर ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक, चलो ओके, अब नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख सकते हो, आपको पता है कितना चार्ज फ्लो करा है ना, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना, उसके बाद मेरा नया क्वेश्चन। नाउ इफ शेल टू इज ग्राउंडेड बाय क्लोजिंग S2 से कितना चार्ज फ्लो होगा, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू S2। S2 से कितना चार्ज फ्लो होगा, करो। अब क्या करा मैंने, अब मैंने S2 को क्लोज करा है, तो बताना है S2 से कितना चार्ज फ्लो होगा, करो। चलिए करिए जल्दी से,
चलो काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं पर अलग अलग आ रहे हैं, किसी का q बाय टू, किसी का माइनस क्यू बाय टू, कुछ जीरो भी बोल रहे हैं, है ना। हाँ वो सेकेंड पार्ट फर्स्ट के बाद हुआ है, ठीक है ओके। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये चार्ज फ्लो होने के बाद नया चार्ज लिख देना चाहिए था आपको, नए चार्जेस लिख देना चाहिए थे। तो अंदर वाली शेल में q माइनस x, x था 3q by 2, इसका मतलब यहाँ पे माइनस क्यू बाय टू चार्ज हो गया होगा, और x था 3q by 2, तो माइनस 3q प्लस 3q by 2, इट शुड बी माइनस 3q by 2, है ना। तो अंदर और बाहर के नए चार्जेस सबसे पहले तो लिख दिए। उसके बाद अब शेल 2 को ग्राउंड कराए तो उसका पोटेंशियल लिख के जीरो कर दो, उसका पोटेंशियल लिख के जीरो कर दो, जिसको ग्राउंड करते हैं उसका पोटेंशियल शुड बी जीरो, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ V2 शुड बी जीरो, शेल 2 का पोटेंशियल जीरो कर देंगे, तो उसका पोटेंशियल लिख देते हैं सबकी वजह से, अंदर वाले माइनस क्यू की वजह से होगा के माइनस क्यू बाई टू अपॉन टू आर, इसकी वजह से बाहर पोटेंशियल लिखना है, इसके सेंटर से 2R डिस्टेंस पे लिखना है, तो ये आएगा खुद का चार्ज 2Q की वजह से। अब खुद का चार्ज बदल गया होगा, देखो अर्थ से चार्ज फ्लो हो जाएगा तो, है ना, खुद का चार्ज बदल देना। मान लो अर्थ से यहाँ पे चार्ज अर्थ में चला गया, कितना चला गया x, x नहीं आपकी बार y ले लेते, तो यार 2q माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज हो जाएगा 2q माइनस y अपॉन 2r, और बाहर वाले शेल का चार्ज की वजह से अंदर पोटेंशियल, माइनस चार्ज को साइन के साथ लेते हैं पोटेंशियल लिखने के लिए, ये जीरो आना चाहिए। बाहर वाले शेल की वजह से अंदर पोटेंशियल वही होगा जो उसकी सरफेस पे था, ठीक। ये लिख के आप जीरो कर दो, सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को, के और आर कैंसिल हो रहे सब जगह, यहाँ बचेगा माइनस क्यू बाय फोर, यहाँ पे के और आर गायब कर दिए मैंने, नीचे बचा टू आर, तो टू से डिवाइड करा तो क्यू माइनस वाई बाय टू, यहाँ पे थ्री से डिवाइड कर दिया तो माइनस क्यू बाय टू इक्वल टू जीरो। एक अकेला वेरिएबल है मेरे पास वाई, वो सॉल्व करना है मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्यू और आर गया माइनस टू और टू नीचे फोर हो जाएगा, सही बात है, यहाँ पे टू टू जाए कैंसिल हो गया, माइनस वाई बाय टू आएगा, थ्री से थ्री गया माइनस क्यू बाय टू बचेगा, हाँ सही लिखा, ठीक है चलो। तो माइनस वाई बाय टू को मोदी जाता हूँ तो प्लस वाई बाय टू, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्यू माइनस क्यू बाय टू विल बी क्यू बाय टू, क्यू बाय टू माइनस क्यू बाय फोर विल बी क्यू बाय फोर, तो वाई देखो क्या आ रहा है क्यू बाय टू, क्यू बाय टू चार्ज फ्लो हो रहा है, शेल से क्यू बाय टू ग्राउंड में जा रहा है, शेल से क्यू बाय टू ग्राउंड में जा रहा है, समझे, यस बहुत बढ़िया। हाँ, और उल्टा बोल सकते हो माइनस क्यू बाय टू फ्रॉम अर्थ टू शेल, ऐसा भी बोल सकते हो आप, अर्थ से शेल के अंदर माइनस क्यू बाय टू आ रहा है, तो अगर पूरा सेंटेंस लिखोगे तो सही है, ठीक है चलो। तो ये शेल वेल के पोटेंशियल मतलब अब करने आ गया आपको ना, अब इसमें चार छह दस कितने भी शेल दे दो सब कर सकते हो, कितने भी स्विचेस लगा दो मैं सब कर सकते हो, ठीक है चलो। तो इसमें काफी बड़े बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मल्टीपल स्विच दे देंगे, मल्टीपल स्विचेस एक एक करके एक एक शेल को ग्राउंड कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा धीरे धीरे पूछ सकते हैं, कई सारे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए आपको बस, ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट, ओके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है अपना शेयरिंग ऑफ चार्ज वाला, आपने मॉड्यूल देखा होगा, हाँ बोलो सर, मतलब ये S2 को ग्राउंड करने के बाद जो S1 से फ्लो भी तो कर सकता है चार्ज, क्योंकि पहले S2 के कारण पोटेंशियल दोनों पे कुछ और था, फिर बाद में कुछ और हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे से ओवरलुक हो गई ये चीज, गलत कर दिया मैंने, ये आंसर गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये मैंने कब मान लिया जब S2 S1 ओपन कर चुके थे, है ना, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता ना शेल 2 इज ग्राउंडेड बाय क्लोजिंग S2 बट S1 इज ओपन, अब ये सही था पूरा, अब गलत हो गया पूरा, यू आर राइट। बाकी बच्चों को समझ में आया गलत हो गया ये, है ना, नहीं समझ में आया, अच्छा देखो अभी क्या है कि ये स्विच क्लोज था, तो स्विच क्लोज होने की वजह से और चार्जेस इनके बीच में फ्लो कर सकते थे, पहले कुछ फ्लो कर गए, अब जैसे तुमने यहां ग्राउंडिंग करी ना, तो ग्राउंडिंग के बाद इसका पोटेंशियल बदल चुका है, इसका पोटेंशियल अब जीरो हो चुका है, तो इस पे चार्ज बदला, उसकी वजह से इसके चार्ज की वजह से इन दोनों का पोटेंशियल भी बदल गया था, तो इनके बीच में फिर से चार्ज का फ्लो हो सकता है,
हाँ वी वन इक्वल टू वी थ्री वापस करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है ना, कुछ चार्ज इनमें भी फ्लो हो जाएगा, तो ये पूरा गलत हो गया बच्चों, समझना गलत है ना। ये सही कब था, जब मैंने यहां लिख दिया होता कि S1 ओपन है, तो आप ऐसा लिख लो कि S1 ओपन है तो फिर अपना यह सही हो जाएगा। अब ऐसा लिख लो यहां पे S1 ओपन है तो ये सही हो जाएगा, ठीक। चलो मैं चाह तो यही रहा था कि S1 ओपन वाला दू, पर ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। अब आप लोगों को वापस से करना पड़ेगा देखो क्वेश्चन को, अगर S1 क्लोज ही था तो फिर से पूरा करना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ अब इसमें दो दो आपको वेरिएबल मानना पड़ेंगे, आपको ये मानना पड़ेगा कि ग्राउंड शेल टू से कुछ ग्राउंड में भी चार्ज चला गया और इनके बीच में कुछ चार्ज फ्लो भी हो गया, है ना, और आपको फिर से इनके चार्ज वेरिएबल लेके फिर से पोटेंशियल इक्वल करना पड़ेगा, तो एक तरह से होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपके लिए, है ना, तो करके लाना आप ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू अपन ने चेंज कर दिया था, यहाँ पे लिख दिया था कि एस वन ओपन था, अब अगर एस वन क्लोज होता और फिर अपन ने एस टू क्लोज कराए तब आंसर क्या आता, निकाल के लाना, ठीक। हाँ अब आउटर मोस्ट पे क्या होगा वो सब देख लेना आप। चलो तो ये हटा रहा हूं क्वेश्चन में, अब सर हाँ सर हमने इसमें लिखा कि S1 ओपन था तो हमने सर पोटेंशियल निकालते वक्त चार्जेस तो वो न्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड लिए थे ना अभी। हाँ तो बंद करके ओपन नहीं कर सकते क्या, बंद पहले बंद कर दिया फिर बाद में ओपन कर दिया, ओपनड लिखा है मैंने मतलब खोल चुके उसको, तो पहले बंद करा फिर खोल दिया। ओके सर, है ना, ठीक। चलो तो अब आगे बढ़ते, अब एक छोटा सा पॉइंट हमको पढ़ना है, शेयरिंग ऑफ चार्ज, मतलब कि अगर मेरे पास दो स्फीयर्स है जो बहुत दूर दूर है, मेरे पास दो स्फीयर्स है जो बहुत दूर दूर है, इनपे इनिशियली चार्जेस Q1 और Q2 है, इनकी रेडियस R2 और R1, दीज आर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स, और इनके बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस है, इतनी बड़ी डिस्टेंस है इनके बीच में कि इन दोनों का आपस में इंडक्शन वाला इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई इंडक्शन का इफेक्ट नहीं है। हाँ और उसका आंसर आप जो भी क्वेश्चन बात करी थी अपन ने स्विच वाले क्वेश्चन की, तो उसका आंसर आप सॉल्व करके ग्रुप पे भेजना, ठीक। चलो इस पर आ जाते, तो आई हैव टू कंडक्टिंग स्फीयर्स जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इतनी बड़ी डिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, इन पे इंडक्शन का इफेक्ट अपन निग्लेक्ट कर देंगे, इंडक्शन का इफेक्ट निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करा मैंने, उनके बीच में स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए, तो पोटेंशियल बराबर होने के बाद, पोटेंशियल बराबर होने के बाद नए चार्जेस जो है वो क्या है हमको निकालना है, नए चार्जेस हमको निकालना है, आफ्टर पोटेंशियल इज इक्वल नए चार्जेस क्या है, इनपे क्यू वन डैश या स्मॉल क्यू वन और स्मॉल क्यू टू निकालना है, पहले के चार्ज अपन ने कैपिटल क्यू लिख दिए थे अब स्मॉल क्यू लिख दिए। चलो क्वेश्चन समझ में आया, I have two conducting spheres which are separated by large distance. ठीक है, अब उनको अपन ने एक वायर से क्लोज कर दिया है, तो वायर से कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट करने के बाद चार्जेस बदल गए और अब नए चार्जेस कितना कितने निकालना है, करो एक बार आप कर लीजिए। दिखाई मैंने एक एक स्फीयर की आर वन थी, एक स्फीयर की आर टू थी, चलो तो नए चार्जेस निकालने के लिए कई बच्चे मुझे बता रहे हैं पोटेंशियल इक्वल कर देंगे, यस बिल्कुल सही, और उससे तो एक इक्वेशन आएगी, और
चार्ज कंजर्वेशन, बिल्कुल सही है ना। तो टोटल चार्ज वही रहेगा, उसकी एक इक्वेशन बन सकती है बाय चार्ज कंजर्वेशन, बाय चार्ज कंजर्वेशन हम बोलेंगे स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2 शुड इक्वल टू कैपिटल q1 प्लस कैपिटल q2, एक इक्वेशन यहां से बना देंगे एंड बाद का पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल कर देंगे। तो ये हमें बताएगा कि k q1 by r1 should equal to k q2 by r2। अब क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी है ना, तो इसकी वजह से वहां पोटेंशियल और उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल जीरो है। तो यहां से हमको कंडीशन आ रही है देखो कि q1 r1 should equal to q2 r2। तो यूजिंग दिस कंडीशन आप निकाल सकते हो मैं चार्ज क्या है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चार्ज का जो रेशियो है q1 by q2 वो r2 by r1 है ना, q1 by q2 r2 by r1 इन द रेडियस के इनवर्स रेशियो में चार्ज, चार्ज इज इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है। q1 by q2 r1 by r2 आ रहा है, ठीक है, चार्ज इज इन रेशियो ऑफ रेडियस, चार्ज रेडियस के रेशियो में, तो चार्ज का सम पता है, तो दो चीजों का रेशियो पता है और दोनों का सम पता है, तो दोनों आसानी से लिख सकते फिर अपन। तो यहां से q1 आ जाएगा मेरे पास टोटल चार्ज डिवाइड बाय सम ऑफ रेडियसेस इनटू रेडियस 1, और q2 आ जाएगा टोटल चार्ज अपॉन सम ऑफ रेडियसेस इनटू रेडियस 2। बोलो क्या समझ में आ रहा है? Is this clear? है ना, नए चार्जेस निकाल दिए अपन ने दोनों पे, वो पूछा था आपसे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो चार्ज रेडियस के रेशो में, चार्ज रेडियस के रेशो में। अच्छा अगर मैं सरफेस पे सिग्मा की बात करूं, सरफेस पे सिग्मा की बात करूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करो, तो पहले स्फीयर पे सिग्मा वन, बाद का सिग्मा वन जो होगा आफ्टर कनेक्शन जो सिग्मा वन होगा वो उसका उसका चार्ज अपॉन फोर बाय उसकी रेडियस का स्क्वायर, ये होगा चार्ज बाय एरिया। सिग्मा टू वो होगा चार्ज अपॉन उसका एरिया आर टू स्क्वायर। तो अगर आप सिग्मा वन बाय सिग्मा टू निकालोगे तो हो जाएगा क्यू वन बाय क्यू टू इंटू आर टू बाय आर वन स्क्वायर, ठीक है, Q1 अपॉन Q2 अपॉन ये हो जाएगा, है ना। अब Q1 by Q2 क्या था, देखो Q1 by Q2 था R1 by R2, Q1 by Q2 था R1 by R2 into R2 by R1 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन रही है मेरे पास एक्चुअली R2 by R1। तो इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। जब दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम था, जब दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम था तो उन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, है ना? इसका मतलब, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम पोटेंशियल्स के ऑब्जेक्ट्स में, सेम पोटेंशियल के ऑब्जेक्ट्स में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस जितनी बड़ी उतना कम चार्ज डेंसिटी, रेडियस जितनी छोटी उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, रेडियस जितनी बड़ी उतनी कम चार्ज डेंसिटी, रेडियस जितनी छोटी उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी। ये आ रहा है आपको यहां पर ये पॉइंट समझ में, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने आपको तो यहां प्रूव करवाया कि दो स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल इक्वल करके उन पर चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्स रेशियो में, पर ये मैं किसी एक सिंगल कंडक्टर में भी यूज कर सकता हूं, किसी एक सिंगल कंडक्टर में भी यूज कर सकता हूं। ऑल्दो ये पॉइंट मैंने सिंगल कंडक्टर के लिए नहीं प्रूव करवाया है, लेकिन जब ये दोनों कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कराया तो दे आर नाउ सिंगल कंडक्टर, वो एक पोटेंशियल पर एक सिंगल कंडक्टर ही है ना, दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम है, तो मैं मेरा एक सिंगल कंडक्टर भी तो इक्विपोटेंशियल ऑब्जेक्ट होता है, तो उस पर भी मैं ये वाला लॉजिक यूज कर सकता हूं, है ना। तो नाउ फ्रॉम दिस डिस्कशन, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लाइक दिस, मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग है, कुछ ऐसा कोई कंडक्टर है सपोज,
तो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो अभी हमने यहाँ पर समझा था कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो इस लॉजिक से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जहां पर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल दिख रही है, तो यहाँ पे शार्प बाउंड्री है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर शार्प है, कम है, तो वहां रेडियस कम तो सिग्मा ज्यादा, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है वहां सिग्मा कम। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ ऐसा कुछ होगा कि इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी और उधर चार्ज डेंसिटी वीक आएगी। बोलो समझ में आ रहा है पॉइंट ये? वेयर रेडियस इज स्मॉलर, मैं यहाँ पे रेडियस अगर दिखाऊं, तो अगर मैं सरफेस को देखूं तो एक सर्कल का पार्ट बना सकता हूं मैं, तो यहाँ पे रेडियस छोटी है और इधर की रेडियस देखो बड़ी है, तो रेडियस बड़ी चार्ज डेंसिटी कम, रेडियस छोटी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। हालांकि ये डायग्राम में 2D में बता रहा हूं, पर ये मैं जो बातें कर रहा हूं ना इट इज फॉर 3D। 3 डायमेंशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंगल डिफाइन नहीं होती है। हाँ, कोई मेरे पास एक सरफेस है तो उसकी सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होती। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लू, जैसे ये मेरे एक बोतल है मेरे पास, ठीक है, इस बोतल में देखो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है, इस बोतल में यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस में एक डायरेक्शन में ऐसे जाऊंगा तो कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नहीं है, इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी। तो एनी पॉइंट ऑन अ 3D सरफेस दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, किसी भी पॉइंट पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन हो सकती है जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग है। मैं अगर कंडक्टर की सरफेस या किसी भी 3D कर्व सरफेस को मैं दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में कट करूं तो मुझे दो कर्व दिख सकते हैं, इन दो कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर को वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दो होती है कंडक्टर पर, इन दोनों पर डिपेंडेंसी कुछ होती है ना। ये पॉइंट एग्जैक्टली जो मैंने यहां बोल दिया ना, ये एक एनालॉजी से पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका कोई सही सही प्रूफ नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, मैं एनालॉजी से बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, पर इसका मैंने कोई सही सही प्रूफ नहीं दिया आपको। इन अ 3D ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर किसी भी सरफेस पे दो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, वहां पर प्रूफ नहीं दिया है मैंने आपको। स्टिल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर भी ऐसे ही होता है, जहां पर बहुत शार्प बाउंड्रीज होती है वहां पर चार्ज ज्यादा होता है, जहां शार्प बाउंड्री नहीं है वहां चार्ज कम होता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने क्या क्या सीखा? अगर मेरे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स थे, उन्हें कनेक्ट कर दिया तो उनपे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके नए चार्जेस निकाल दिए मैंने, और नए चार्ज देखो रेडियस के रेशियो प्रोपोर्शन में आए हैं, रेडियस के प्रोपोर्शन में आए हैं। तो मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे निकाली, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखी मुझे ऑन द टू स्फीयर्स। तो वहां से मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पास दो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स थे स्फेरिकल शेप के, उनको जोड़ा तो उनके सिग्मा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसी एनालॉजी से मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक ही कंडक्टर है तो सिंगल कंडक्टर में अलग अलग जगह पर चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा वहां चार्ज डेंसिटी कम, जहां रेडियस कम वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो यहां से एक पॉइंट ये लिखा जा सकता है, ऑन शार्प कॉर्नर on a conductor sigma will be highest, ठीक है। कोई कंडक्टर है जिसमें शार्प कॉर्नर है, फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब, क्यूबिकल अपन ने कंडक्टर बनाया, तो उसकी क्यूब की जितनी भी एजेस होगी ना वहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, और कॉर्नर पे तो उससे भी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? ये मेरे पास एक कंडक्टिंग क्यूब है, एक कंडक्टर का बना हुआ क्यूब है जिसपे मैंने चार्ज दिया, अब इसको कुछ चार्ज दे दिया तो उस पर चार्ज डेंसिटी जो होगी ना इसे कॉर्नर पे इसके एजेस पे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ कॉर्नर है, और एकदम वर्टाइसिस पे तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वर्टाइसिस पे एजेस पे इन सब पे रेडियस तो कर्वेचर ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, रेडियस कम तो सिग्मा ज्यादा। बहुत देर से किसी ने कुछ कहा नहीं, ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो अपनी बात चल रही थी देर से? यस, ओके, है ना सर? यूनिफॉर्म, यस, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने एक डाउट बोला है कुछ, लेट मी सी। सर यूनिफॉर्मली चार्ज क्यों हमेशा नॉन कंडक्टर होगा ना? हाँ बिल्कुल सही बात,
है ना। इसका मतलब कि एक मेरे क्यूब जो कंडक्टर है उसको कभी यूनिफॉर्मली चार्ज तो कर ही नहीं सकता मैं, उसके पूरी सरफेस पे एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वैसा ला ही नहीं सकता मैं, है ना। सिमिलरली एक कंडक्टिंग डिस्क, मेरे पास एक कंडक्टिंग डिस्क है, तो कंडक्टिंग डिस्क के सेंटर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और जो कॉर्नर्स तक जाके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बदलेगा, ठीक है। क्यूब का एक बार और बता देता हूं, क्यूब में मैंने क्या बताया, देखो क्यूब की जो एज होगी ना वहां पर एकदम शार्प बाउंड्री है, ये सरफेस आ रही है फिर एकदम से बेंड हो गई सरफेस, तो सरफेस की शार्प बाउंड्री है, शार्प कॉर्नर है, तो वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर चार्ज ज्यादा होगा कॉर्नर एजेस पे, और जो तीन तीन सरफेस का जंक्शन पॉइंट होता है कॉर्नर इस पे तो और ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, यहां पर तो सिग्मा लार्ज होगा, ठीक है सर। हाँ तो सर अभी तक अपन ने जो अभी तक कैलकुलेशंस करी थी सर, तो सर उनमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इसके कारण? नहीं, हमने अधिकतर जगह कंडक्टर को स्फेरिकल शेप का लिया है, तो उसमें ऐसा कुछ वेरिएशन करा ही नहीं था, है ना। और जहां पर भी कंडक्टर का शेप इरेगुलर था तो वहां बोला ही था अपन ने कि इरेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कहीं भी हर जगह इसका अपन ने ध्यान रखा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसका हमने ध्यान रखा है, कहीं भी इसका कोई चेंज सिग्निफिकेंट आने नहीं वाला, ठीक। ओके, मेरे पास आया है डाउट सर, ये पॉइंट कंडक्टर के लिए ही वैलिड है? यस, कंडक्टर की ही बात चल रही है, ओनली उसी के लिए वैलिड है, ठीक है सर। एक वो चार्ज प्लेस नियर कॉर्नर वाला क्वेश्चन, उसमें तो फ्लक्स पूछा था ना, वहां कोई चार्ज कंडक्टर थोड़ी था कोई, वहां पर वहां तो फ्लक्स पूछा था, वहां तो बस एक सरफेस इमेजिन करी थी, वो कोई कंडक्टर थोड़ी थी, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। बताओ, अपन ने पढ़ा है ना कि किसी कंडक्टर की सरफेस के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, कंडक्टर की सरफेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। यस, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? क्या इस पूरे कंडक्टर में आसपास हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्या? क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्या? नो, जहां कॉर्नर होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, है ना। जहां कॉर्नर होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर देन यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन को कंपेयर करे तो ई वन विल बी ग्रेटर देन ई टू, ठीक है, क्योंकि यहां सिग्मा ज्यादा है, तो जहां सिग्मा ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां सिग्मा ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ठीक। सर जो डिस्क लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है वहां नॉन कंडक्टिंग लिखे है, यस। तो हमने जब डिस्क की बात करी थी ना तो मैंने नॉन कंडक्टिंग लिखाया था वहां पे, है ना। जब कंडक्टिंग डिस्क की बात करूं अगर मैं तो उसमें सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं होगा कंडक्टिंग डिस्क में, हम तो नॉन कंडक्टिंग डिस्क के लिए पढ़े थे चीजें, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाय इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, एयर की बात करें, फ्री स्पेस को छोड़ के अगर बातें करें, तो हर जगह कोई मटेरियल है, जिस भी जगह मटेरियल प्रेजेंट है, मटेरियल में क्या होता है, एटम्स, एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब अगर बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो अंदर की इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत हाई फोर्स लगेगा। मेरे पास कोई सॉलिड मटेरियल है, मान लो कुछ अपन ने मटेरियल ले लिया, कोई भी मटेरियल ले लिया, ठीक है, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो न्यूक्लियस वर्ड घूमते हैं, और मैंने बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी अक्रॉस दिस मटेरियल, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन पे हाई फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, सही बात है क्या? क्या मैं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं कि न्यूक्लियस के फोर्स से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ जाए तो क्या होगा? न्यूक्लियस जितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को उससे भी ज्यादा फोर्स लगा दिया तुमने, या सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स हो गया, अपने एटम के सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो न्यूक्लियस का फोर्स है उससे भी ज्यादा तुम्हारे एक्सटर्नल फील्ड का फोर्स हो गया, तो क्या होना चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, एटम आयनाइज हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो यही चीज होती है डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन करने की, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए
तो मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, मटेरियल आयनाइज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फिर करंट फ्लो करा देते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है स्पार्किंग। जब भी आपने कोई स्विच क्लोज करा हो या आपका आपकी बॉडी सपोज चार्ज हो गई, या आप किसी ऐसे सोफे पे बैठे थे जो थोड़ा सा जिससे आप रब कर रहे हो तो आपकी बॉडी चार्ज हो रही है, फिर अचानक जाके किसी कंडक्टर को टच करो तो आपने देखा है ना आपको थोड़ा सा चिंगारी जैसे निकलती है, आपकी बॉडी से चार्ज एकदम से फ्लो करता है ना। लाइटनिंग, यस लाइटनिंग की बात भी करेंगे, ठीक है। तो कई जगह ऐसा देखा है आपने कि और स्विचेस, स्विच अगर क्लोज करो या ओपन करो या क्लोज करो, ठीक है, मतलब स्विच ऑफ करो या स्विच ऑन करो, इन दोनों केसेस में कई बार स्विचेस में लाइटनिंग होती है, स्विचेस में थोड़ा सा अपन को चिंगारी दिखती है, ठीक है। उस सबका रीजन यही है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक्चुअली क्या होता है, आप जब स्विच को क्लोज करने जा रहे हो तो आपके स्विच में आपका जो स्विच है, ये आप यहाँ पे स्विच को पकड़ के बंद करते हो, ये आपका स्विच है जिसको आप क्लोज करने जा रहे हो, उसके पीछे दो कॉन्टेक्ट पॉइंट है। एक कॉन्टेक्ट पॉइंट तो अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है वहां से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक मेटल पीस है जो जाके आपके किसी कूलर, पंखे, टीवी वीवी में जुड़ने वाला है। जब आप स्विच क्लोज करने वाले होते ना तो इसको इसके धीरे धीरे पास में लाते हो, जब धीरे धीरे पास में लाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर से जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो तो तुम्हारे वो टीवी वी में जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। सपोज ये तुम्हारा टीवी है, वो तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और एक वायर जो है वो स्विच के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। जब तक तुम स्विच ऑन नहीं करोगे ये पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो टीवी को करंट नहीं मिलेगा। जब तुम स्विच ऑन करने जाते हो तो इस बटन को दबाते हो, इस बटन को जब प्रेस करते हो तो यहाँ जो गैप है वो कम करते हो। जो भी घर का पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है अपन को, मान लो डीसी है, घरों में एसी होता है, मान लो डीसी है, वो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आ जाता है, और वो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होने की वजह से जब तुम धीरे धीरे स्विच को दबाते हो तो यहाँ गैप कम होने लगती है। गैप कम होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पढ़ी ना, पोटेंशियल का चेंज अपॉन डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाती है। एंड ड्यू टू द स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब अपन स्विच को क्लोज करते हैं तो धीरे धीरे गैप कम होती है, गैप कम होती रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल की, एयर की डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की स्ट्रेंथ से भी बढ़ जाती है, तो एयर में अचानक से करंट फ्लो होने लग जाता है, इसलिए अपन को वहां पे करंट जो दिखता है वो चिंगारी के फॉर्म में दिखता है। अब तुम लोग तो स्विच को बंद कर देते हो तो वो थोड़ी सी देर के लिए होता है, वो छोटा सा एक स्पार्क दिखता है आपको, अगर आप इस स्विच को बहुत ज्यादा क्लोज मेंटेन करो तो कंटिन्यूस वहां पे स्पार्क दिख सकता है। कुछ समझ में ही बात, स्विचेस में स्पार्क क्यों दिखता है कई बार? है ना, चलो। और सेम लॉजिक होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम ही होता है। लाइटनिंग के समय भी क्या होता है कि अपने क्लाउड्स और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है काफी हाई, और उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बीच में एयर का हो जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो एयर के अंदर से इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, एयर के एटम आयनाइज हो गए, इलेक्ट्रॉन और आयन्स की वजह से करंट फ्लो होने लग गया, और वो लाइटनिंग के फॉर्म में दिखता है अपन को, ठीक। चलो तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? यस, मैंने आपको हेडिंग क्या लिखाई थी? मैंने डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन लिखाया था। ओके, चलिए, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद लिखिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की डेफिनेशन ढंग से लिखा देता हूं मैं, लिखो। एवरी मटेरियल हैज अ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एवरी मटेरियल हैज अ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। That is a limit of electric field which it can sustain। मैंने लिखा है आपको every material has a dielectric strength, that is a limit of electric field which it can sustain। If the electric field is more than the dielectric strength,
मटेरियल में गेट्स आयनाइज्ड, मटेरियल में गेट्स आयनाइज्ड एंड करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन इट. If electric field is more than the dielectric strength, then material may get ionized and current starts to flow in it. This phenomena is called dielectric breakdown. ठीक है, तो हर सब्सटेंस के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट होती है. जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो मटेरियल के अंदर आयनाइजेशन हो जाता है, मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, आयन का फ्लो होने लगता है, उसमें से करंट फ्लो हो जाता है. तो हर इंसुलेटर के लिए भी एक लिमिट होती है, डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम कितना वो सस्टेन कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, चलो क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम लगा सकते हो उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद हायर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो चीज हो जाती है उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ओके, चलो सबको क्लियर? किसी को कुछ इसमें डाउट पूछना है? नो, है ना? अब फटाफट एक चीज, छोटी सी चीज सुन लो, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए. मैंने बताया था ना कंडक्टर के कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है ना, कंडक्टर के कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, सिग्मा ज्यादा होता है वहां पे, सिग्मा ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है. और कंडक्टर को तुम मान लो और चार्ज दे रहे हो, कंडक्टर को चार्ज करे जा रहे हो तो उसके कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े जा रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते वहां क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आसपास की एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाएगा. एक कोई कंडक्टर है जिसके कॉर्नर पर चार्ज डेंसिटी खूब बढ़ गई तो उसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ गई, आसपास एयर होगी तो एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाएगा. डायरेक्टली ब्रेकडाउन होगा, मान लो कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन होगा तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन, वो एयर के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो गया तो एयर के इलेक्ट्रॉन इस पर आके चिपकने लगेंगे और एयर के आयन जो होंगे इससे दूर जाने लगेंगे, अगर एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हुआ तो. सही बात है ना? तो आपको ऐसा लगेगा कि शार्प कॉर्नर के पास में यहां पर चार्ज आप बढ़ा रहे थे लेकिन चार्ज बढ़ नहीं रहा क्योंकि एयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इकट्ठा होने लग गए, तो चार्ज अब बढ़ने नहीं दे रहे एयर के इलेक्ट्रॉन. और आपको लगेगा एयर के पॉजिटिव आयन जो दूर जा रहे हैं ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि चार्ज यहां से बाहर जा रहा है, कॉर्नर से चार्ज का डिस्चार्ज हो रहा है, कंडक्टर के कॉर्नर से चार्ज बाहर चले जाता है अगर तुम बहुत ज्यादा चार्ज दे दो कंडक्टर को. ठीक है, तो ऐसा लगता है कंडक्टर के शार्प कॉर्नर से चार्ज लीक हो जा रहा है, कंडक्टर से चार्ज लीक हो रहा है, वो एयर में लीक हो गया. ठीक है बस, और इस फिनोमेना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज. कॉर्नर से चार्ज का लीक होना कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज. कोरोना वही जो आजकल चल रहा है, वही वर्ड है कोरोना डिस्चार्ज. अब आजकल तो नेट पर सर्च करोगे तो कोरोना से तो वही आता है अपना, है ना, कोरोना डिस्चार्ज पता नहीं मिलेगा कि नहीं नेट पर तुमको. ठीक है, हाँ चलो ओके बच्चों, अब आज अपन यहीं रुकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वैसे मैंने 2 मिनट ज्यादा ले लिया आपका. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, टेक केयर.